मैक्सिमम 5 से 6 लोग बैचलर्स में अलाउ है, फैमिली भी चाहे तो यहाँ पे ले सकते हैं ना सर। नीचे अभी एक डॉक्टर रहते हैं ना। सर तो इसका रेंट बताएंगे कितना होने वाला है? हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज, आपको हमने काफ़ी सारे पीजीज के वीडियो दिखाए हैं और डिटेल वीडियो भी मैंने बनाया है रिगार्डिंग पीजीज की, किस टाइप का यहाँ पे पीजी अवेलेबल है, कितने में अवेलेबल होता है, तो आपको उससे ओवरऑल आइडिया हो गया होगा पीजी के बारे में। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना अब आपको यहाँ जो फ्लैट्स अवेलेबल होते हैं स्पेशली फॉर बैचलर्स, बिकॉज क्या होता है कि बैचलर्स को जल्दी फ्लैट मिलता नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं, बहुत सारे फ्लैट्स अभी देखेंगे और ढूंढेंगे, बेसिकली जा करके ढूंढ करके उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे। तो मैं भी इस वीडियो में पूरा आपको डिटेल वीडियो भी आ सकता है, या फिर आने वाले टाइम पे फ्लैट के रिगार्डिंग काफ़ी सारे वीडियोस आएंगे स्पेशली फॉर बैचलर जो बाहर से आते हैं यहाँ पे रहने के लिए, पीजी ढूंढते। अगर आप एक साल से ज़्यादा अगर रह रहे हो यहाँ बैंगलोर, प्लानिंग कर रहे हो एक साल से ज़्यादा का, तो मुझे लगता है कि फ्लैट्स आपके लिए ज़्यादा अफोर्डेबल होने वाला है। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि बैचलर्स को किस टाइप का फ्लैट्स आपको मिलेगा, डिपॉजिट क्या होने वाला है, क्या रेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, आई होप कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। तो गाइज, अभी हम एक फ्लैट पे आए हैं जो कि 2 BHK का फ्लैट है, और ये देखो यहाँ का एरिया है कुछ, ये BTM लेआउट 2nd stage का है, ठीक है। तो अभी आपको लेकर के चलते हैं अंदर हम, और आपको पूरा फ्लैट दिखाते हैं और बताते हैं कि रेंट कितना होने वाला है। तो सबसे पहले आपको ये बड़ा सा हॉल मिलेगा, और हॉल का साइज़ वो आपको अराउंड 10x20 का है, और यहाँ आपका एक बेडरूम ये है, ये एक बेडरूम है 10x10 का, इस साइड का ड्रॉअर पूरे में ड्रॉअर आपको मिल जाएगा, और ऊपर आपको फैन भी मिल जाएगा, यहाँ विंडो है, अब इधर से भी देख लो। अब चलते दूसरे बेडरूम में एंड दूसरा बेडरूम देखते हैं। तो जस्ट इसके बगल में ही ये देखो बेडरूम का अरेंजमेंट कैसे है, इसके बगल में ही ये दूसरा बेडरूम है, और ये भी राउंड सेम साइज़ का ही है, 10x10 का ही आपको मिलेगा, और इस साइड आप देखो ये हुआ आपका ड्रॉअर। अब चलते हैं, थोड़ा बाथरूम का अरेंजमेंट आपको दिखा देते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो घर है गाइस, ये वास्तु के हिसाब से बना हुआ है, यहाँ पे आपको कुछ रैक ड्रॉअर वगैरह है जिसमें आप कुछ रख सकते हैं, और इस साइड यहाँ बगल में आपका पूजा रूम आपको मिल जाएगा। पूजा रूम आजकल के घर में इम्पॉर्टेंट होता है। एंड ये आपका छोटा सा एक और हॉल मिल जाएगा, हाँ डाइनिंग टाइप का हॉल है, यहाँ आपको हॉल पे बालकनी भी आपको मिल जाएगा, बहुत बड़ी नहीं है लेकिन हाँ बिल्कुल छोटा सा है, देखो ये लंबा सा बालकनी है, छोटा सा है हवा पानी लेने के लिए। मेन रोड है यहाँ पे जस्ट सामने, मतलब 2-3 घर बाद मेन रोड। ये देखो मेट्रो के कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है यहाँ। तो ये आपका डाइनिंग हॉल हो गया, एंड जस्ट इसके सामने ही आपको किचन मिल जाएगा, किचन देख लो, ये है आपका छोटा सा किचन, और इस साइड आपको छोटा सा स्टोरेज एरिया मिल जाएगा आपको, ये देखो किचन में यह स्टोरेज है यूटेंसिल्स के लिए, यहाँ से आप किचन देखो, थोड़ा फोकस का प्रॉब्लम हो रहा है, और इस साइड जब आएंगे तो यहाँ पे भी एक स्टोरेज एरिया है प्लस बाथरूम भी है, और इस साइड यहाँ पे एक बाथरूम, एक वॉश बेसिन और एक बड़ा सा बाथरूम है ये,
काफी बड़ा सा है। हाँ मुझे लगा हुआ बहुत बड़ा सा। इधर देखो ये आपको गीजर मिल जाएगा और ये बैचलर्स के लिए भी अवेलेबल है, फैमिली वाले चाहे तो वो भी ले सकते हैं। और ये जो एरिया है गाइज ये भी बहुत ही शांत और पीसफुल एरिया है। ये वाला ओपन करो शकील, आपको इधर का भी दिखा देते हैं। इसमें वेस्टर्न टॉयलेट है, अगर किसी को इंडियन जाना है तो इसमें इंडियन है। इस ये देखो इस साइड थोड़ा सा स्टोरेज एरिया हो जाएगा जहाँ पे आप कपड़े वगैरह धुल सकते हैं, इस टाइप का बना हुआ होता है यहाँ पे कपड़े उपड़े धुलने के लिए। और ये है आपका इंडियन स्टाइल, दे दिया है कि भाई किसी को दिक्कत होगी वेस्टर्न में तो इंडियन यूज़ कर सकता है, छोटा सा डाल दिया इधर। अब ये देखो यहाँ से सर, तो इसका रेंट बताएंगे कितना होने वाला है? 20,000 पर मंथ। और डिपॉजिट कितना करेंगे? 1 लाख डिपॉजिट। और मिनिमम 11 मंथ का एग्रीमेंट होगा? 11 मंथ सर। अच्छा सर आपका नाम? विजय कुमार। विजय कुमार। और यहाँ पे 5 से 6 लोग रह सकते हैं? हाँ मैक्सिमम 5 से 6 लोग बैचलर्स में अलाउ है, फैमिली भी चाहे तो यहाँ पे ले सकते हैं ना सर। नीचे अभी एक डॉक्टर रहते हैं ना, ऊपर भी लड़के लोग हैं। अच्छा तो गाइज आपने देखा ये वाला फ्लैट, और जनरली यहाँ पे जल्दी बैचलर्स को फ्लैट मिलता नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, हमने बहुत ढूंढा तब जाकर के हमें मिला है। और इनके पास अवेलेबल है ये, अगर इनसे अगर कांटेक्ट करेंगे तो ये आपको दिला सकते हैं बैचलर्स के लिए भी इजिली। और इनका जो चार्ज होगा वो बोलते हैं कि एक मंथ का जो है आपका जो रेंट होने वाला है वो आपसे चार्ज करेंगे, है ना। तो देख लो अगर आपको अगर पड़ता है 20,000 रुपीज़ है फॉर 5 पीपल्स, अगर आप फ्लैट चाहते हैं फ्लैट भी ले सकते हैं। और पार्किंग वार्किंग का क्या है सर? टू व्हीलर पार्किंग है, अगर 4 व्हीलर रखना हो तो ऑन रोड टेम्पल के सामने ही ऑन रोड आप रख सकते हैं 4 व्हीलर। वैसे 2 व्हीलर आप यहाँ पे रख सकते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको, ये है यहाँ पे आप 2 व्हीलर रख सकते हैं। और ये आपका एग्जिट हो गया रोड, आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ से भी, ये देखो। तो सर के पास 1 BHK और 2 BHK भी है, तो 1 RK भी मिल जाएगा और 1 RK भी है। तो हम सोच रहे हैं कि सबका सेपरेट वीडियो बना देते हैं और सर से ही मिल करके हम लोग पूरा देख लेंगे कैसा है, क्या रेंट होने वाला है वो आपको डिटेल में पता चल जाएगा। तो भाई बहुत देर से हम लोग घूम रहे हैं यहाँ पे और काफ़ी सारे लोगों से हमने बात किया है। तो भाई BTM के अंदर फ्लैट लेना बैचलर्स के लिए तो कतई सही नहीं होने वाला है, बैचलर्स के लिए PG ही बेस्ट ऑप्शन है। रेंट बहुत ज़्यादा बता रहे हैं ये लोग, 1 BHK का हमने बात किया तो मिनिमम 10,000, उसके अंदर सिर्फ अलाउ करेंगे 2 आदमी को। 2 BHK में आप 4 लोग रह सकते हैं, लेकिन वही रेंट जाएगा आपका 15,000, 16,000, 18,000। और ज़्यादातर लोग तो मना ही कर देते हैं भाई बैचलर्स को देने के लिए, तो मेरे लिए तो अब तो हम तो यही बोलेंगे आपके लिए कि भाई PG ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। PG ज़्यादा बेटर है क्योंकि खाना नहीं बनाना होता, खाना 3 टाइम का मिल जाएगा, वाईफाई मिल जाएगा आपको, वॉशिंग मशीन मिल जाएगा, पानी का और इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं देना पड़ेगा। और अगर फ्लैट लेते हैं तो इनका जोड़ जाड़ के बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा बैचलर्स के लिए। अभी हम एक 2 BHK फ्लैट के पास पहुँचे और हमने फ्लैट ओनर से बात की है, तो अभी वो आते हैं नीचे, देखते हैं क्या बताते हैं। 2 BHK फ्लैट में आए हैं और जैसे ही हम इंटर करेंगे तो हमें ये एक हॉल मिलेगा जो कि कॉमन हॉल है। और बालकनी इस साइड आपको बालकनी मिल जाएगा, बहुत ही काफ़ी लंबा बालकनी है। इसमें आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं और कपड़े वगैरह भी फैला सकते हैं। और इस साइड आपको पार्क मिलेगा जस्ट बगल में ही, तो आपकी वेंटिलेशन भी काफ़ी अच्छी रहेगी यहाँ पे। और चलिए आपको रूम अरेंजमेंट दिखाते हैं यहाँ पे। तो इस साइड अगर हम जाए तो 2 बेडरूम है,
सबसे पहले तो आपको एक किचन मिल जाएगा, आप देख सकते हो। किचन के साइज़ की हम अगर बात करें तो ये 7x8 का आपको ये किचन मिल जाएगा। और ये देखो कबर्ड वगैरह है, इस साइड आपका वॉशरूम है। वॉशरूम का जो साइज़ है वो डिसेंट है, आपको गीज़र पहले से ही फिक्स मिलेगा। एंड इस साइड आपका एक बेडरूम है, ये आप इसे सेमी फर्निश्ड बोल सकते हैं, आपको ये कबर्ड वगैरह आपको पहले से ही मिलेगा। कबर्ड है, एक विंडो है। और इस रूम का एरिया देखो, अराउंड 10x10 का आपको रूम मिल जाएगा। ऊपर में फैन भी है, फैन ट्यूबलाइट मिलेगा। इस साइड दूसरा बेडरूम है, ये भी अराउंड उतनी ही साइज़ का है, 10x10 का। और यहाँ भी आपको एक कबर्ड मिल जाएगा, फैन है, और विंडो है। तो इस ये जो फ्लैट है 2BHK का गाइस, इसका जो रेंट है वो अंकल बता रहे थे कि 14,000 प्लस आपको 500 रुपीज़ आपको मेंटेनेंस चार्ज लगेगा। ये ओनर है इस घर के। एंड गाइज ये लोकेशन है आप देख सकते हो, और इस साइड आपका पार्किंग एरिया हो जाएगा। और अगर आप 4-व्हीलर अगर आप रखते हैं तो 4-व्हीलर के लिए आपको अलग से एक्स्ट्रा 1,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। और आपको पानी जो है वो 24 आवर्स मिल जाएगा। और ये जो बिल्डिंग है इसका नाम है सूर्या इनक्लेव, उस साइड बेसमेंट है। 2-व्हीलर आप रख सकते हो, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। ये इनका सामने का पार्किंग एरिया है। हमने 2BHK का फ्लैट तो देखा है, और ये जो फ्लैट है गाइज स्पेशली फॉर फैमिली वालों के लिए, बैचलर्स के लिए नहीं है। कोई अगर फैमिली वाले अगर रूम देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, तो वो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इनका जो डिपॉजिट है वो है 50,000 रुपीज़, मिनिमम 11 मंथ का आपका एग्रीमेंट होगा। ये जो 2BHK का जो वीडियो है इसको हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, बिकॉज अगर सबको कवर करेंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, तो बोर करने लगेगा, इसलिए सबका सेपरेट सेपरेट बनाते हैं। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।